हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ स्वप्नाली कदम एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, लेट मी टेल यू दैट वी क्रिएट कंटेंट रिलेटेड टू डिलीशियस पॉकेट फ्रेंडली फूड जॉइंट्स इन नवी मुंबई। आज हम आए हैं एक बहुत हैपनिंग प्लेस में नवी मुंबई, दैट इज नेक्सस मॉल इन सी वुड्स। एंड यहाँ पे जो फूड कोर्ट है, देर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल, लाइक हार्ड कोर कैफे है, हल्दीराम्स का भी आउटलेट है एंड देर इज मन भवन। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड मन भवन, जहाँ पे बहुत ही डिलीशियस इंडियन थालीज अवेलेबल है। आई विल लिंक इट अप हियर, डू वॉच दैट ऑल्सो। एंड टुडे वी आर स्पेसिफिकली गोइंग टू कवर कॉपर चिमनी, विच इज वन ऑफ द वेल नोन ब्रांड सर्विंग इंडियन फूड। सो लेट्स गो एंड टेस्ट देयर फूड। हमारा डिलीशियस स्टार्टर्स एंड मॉकटेल्स आर रेडी ऑन द टेबल। तो मॉकटेल्स में हमने ऑर्डर किया है पैशन एंड पीच मार्गरीटा एंड दिस इज पिना कोलाडा। सो दोनों आता है 225 रुपीज ईच। ये है भट्टी मुर्ग टिक्का एंड दिस कम्स फॉर 625। एंड ये वाला जो है, दिस इज चिकन चीज कबाब एंड ये आता है 695 रुपीज का। सो लेट मी टेल यू, प्राइस वाइज मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, क्वान्टिटी भी उतना नहीं है कम्पेयर टू द प्राइस, बट प्रेजेंटेशन इज वेरी गुड। लाइक सलाद सर्व किया है उसके साथ वेरी नाइसली। सो लेट्स टेस्ट एंड देखते हैं कि कैसा है। तो पहला पिना कोलाडा टेस्ट करेंगे। बहुत रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, इसमें पाइनएप्पल है, कोकोनट है एंड ऑल्सो वेनिला आइसक्रीम है, तो उसको ब्लेंड करके एक साथ दे हैव सर्व्ड इट। बहुत रिफ्रेशिंग है एंड बहुत होलसम है ये, लाइक विद द चिकन एंड ऑल इट विल गो रियली वेल। अभी ये जो सेकेंड ड्रिंक है, ट्रॉपिकल फ्रूट्स इसमें डाले हुए हैं, देर आर पीचेस एंड ऑरेंजेस। सो लेट्स ट्राई दिस अगेन, दिस इज रिफ्रेशिंग। बहुत सिट्रस टेस्ट है इसमें, बट बहुत लिक्विडी नहीं है, मतलब फ्रूट्स का जो एक्सट्रैक्ट है ना वो मेंटेन्ड है। तो अभी स्टार्टर्स टेस्ट करेंगे। मेरा नज़र जो है ना, ये चीज़ वाले चिकन पे पड़ा हुआ है, बिकॉज आई लव चीज़ एंड चिकन का कॉम्बिनेशन ऑसम होता है। सो आई विल टेक वन कबाब एंड ग्रीन चटनी के बिना तो कबाब खाना ही नहीं है, सो आई हैव टेकन सम ग्रीन चटनी ऑल्सो। सो लेट्स टेस्ट इट। ट्रस्ट मी, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कबाब्स आई हैव ट्राइड। जो कबाब का टेक्सचर है ना, बहुत सॉफ्ट है कबाब, बहुत रेशमी कबाब जैसा फील है। मतलब जो चिकन इन्होंने कुक किया ना, कुकिंग का एक अलग ही टेक्निक है। इट इज़ रियली टेस्टिंग रियली नाइस, पूरा जूसी है, सॉफ्ट है, लेकिन बिकॉज ये टिक्का है ना, तो बाहर से थोड़ा क्रिस्पी भी आना चाहिए, वो भी है। चीज़ की वजह से ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बहुत ऐसा स्वीट लग रहा है। दे हैव एडेड राइट अमाउंट ऑफ स्पाइसेस इनटू इट, सॉल्ट प्रॉपर है, एवरीथिंग इज़ परफेक्टली सीजन। आई टोटली लव्ड दिस कबाब। लाइक मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि प्राइस वाइज बहुत कम लग रहा है, बट हाँ, उतना पैसा दे रहे हो तो उतना टेस्ट भी आपको यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। तो अब हम ये भट्टी वाला टिक्का ट्राई करेंगे। वाओ, इनका जो ये चिकन का कुकिंग का प्रोसेस, आई डोंट नो क्या है, बट चिकन इतना डिलीशियस लग रहा है ना, बहुत सॉफ्ट, एक अलग ही टेस्ट है। ये वाला ना थोड़ा चटपटा है, मतलब इसमें चाट मसाला है, बहुत अलग तरह के मसाले डाले हुए हैं, आई कैन फील पेपर ऑल्सो, तो ये थोड़ा चटपटा टेस्ट ला रहा है, नींबू का थोड़ा स्वाद आ रहा है एंड ओवरऑल ये चटनी के साथ बहुत मज़ेदार लग रहा है। एंड दिस वन इज़ थोड़ा, आई कैन से थोड़ा माइल्ड, वेर एज दिस इज़ थोड़ा स्पाइसी, थोड़ा चटपटा, लाइक दोनों आप ले सकते हो, एक कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को। स्टार्टर्स बहुत ही लाजवाब थे, इतने डिलीशियस, लाइक आई विल से कि यहाँ आओगे ना तो कबाब से आके ज़रूर ट्राई करना, जो कुकिंग है ना ऑसम। तो अभी हम मेन कोर्स में आए हैं। मेन कोर्स में हमने ये ऑर्डर किया है चिकन टका टक, ये बेसिकली लाहौरी बेस्ड डिश है एंड दिस कम्स फॉर 675। उसी के साथ पराठा भी आता है एंड इन एडिशन टू दिस हमने एक चीज़ गार्लिक नान भी लिया है, विच इज़ फॉर 155 रुपीज़। सो लेट्स टेस्ट दिस। तो मैं थोड़ी ये चिकन टका टक लूँगी
तो एक्चुअली ना मेरे को यहाँ से पता चला कि ये नाम कहाँ से पड़ा है, इसे टकाटक क्यों बोलते हैं, बिकॉज जब हम तवा में ये चिकन बनाते हैं तो जो करछी होती है उसका आवाज़ आता है ना टक टक टक, उस आवाज़ की वजह से इसका नाम चिकन टकाटक रखा था। एंड जैसे मैंने बोला ये लाहौरी स्पाइसेस में बनाई हुई डिश है, सो लेट्स टेस्ट इट। मैं थोड़ा सा पराठा लूँगी जो इसके साथ था, एंड लेट्स टेक सम नान। स्पाइसी डिश है, एंड जैसे हमारे में ना सूखा चिकन कैसे होता है, समवॉट इट इज लाइक दैट ओनली, सूखा चिकन है लेकिन विद लाहौरी स्पाइसेस। एंड ये जो पराठा था लच्छा पराठा, ये एक्चुअली मुझे चपाती जैसी लग रहा है, बस उसे लच्छा पराठा का शेप दे दिया, अदरवाइज ये चपाती ही लग रहा है। नाउ आई विल ट्राई द चीज़ गार्लिक नान। नान थोड़ा ठंडा हो गया, हम वीडियोज ले रहे थे तो उसमें थोड़ा ठंडा हो गया, बट लेट्स सी कैसा टेस्ट है। वाओ, लव द टेस्ट ऑफ नान, सॉफ्ट है, पूरा चीज से गार्लिक से भरा हुआ। नहीं मैं सिर्फ नान भी खा सकती हूँ, आई विल एंजॉय। अभी मेरा सबसे फेवरेट चीज हम खाने वाले, दैट इज डेजर्ट्स। तो खाना कितना भी खा लो, बिना डेजर्ट्स खाए मैं कहीं से निकलती नहीं हूँ, और यहाँ पे तो फलूदा था ऑप्शन में, तो खाना ही है। सो ये है पर्शियन फलूदा, एंड दिस कम्स फॉर 395 रुपीज़। सो बेसिकली जैसे हमारा नॉर्मल फलूदा होता है वैसी है, सेवैया है, रबड़ी है, उसी के साथ कुल्फी है, एंड देर इज पिस्ताचियो आइसक्रीम। सो मैं पिस्ताचियो आइसक्रीम खाने के लिए थोड़े एक्साइटेड हूँ, तो पहले मैं सिर्फ आइसक्रीम टेस्ट करूँगी। वाओ, प्योर पिस्ता का फ्लेवर, ऊपर से मस्त ड्राई फ्रूट्स डाला हुआ, उसका क्रंच आ रहा है। लेट्स ट्राई द फालूदा ऑल टुगेदर। इसमें सब्जा नहीं है, सब्जा इज समथिंग आई एम मिसिंग इन दिस फलूदा। में मुझे सब्जा बहुत पसंद आता है, वो बीच बीच में जो सब्जा का बाइट्स आता है, इट एड सो मच टेक्सचर टू द फलूदा। तो इसमें थोड़ा सब्जा होना चाहिए था, बट लेट्स सी। वाओ, रबड़ी ना बहुत यम है, बिल्कुल स्वीट नहीं है। मैंने जहाँ पे भी फलूदा खाया ना, फलूदा में ना बहुत अलग अलग फ्लेवर्स डाल देते, बटर स्कॉच डाल देते, स्ट्रॉबेरी डाल देते, और बहुत स्वीट हो जाता है उसकी वजह से फलूदा। इसमें ना बस रबड़ी है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाला हुआ है, रबड़ी है, सेवैया है, कुल्फी है, एंड आइसक्रीम है, एंड दिस इज टेस्टिंग सो यम्मी। बस मैंने सब बोला ना, फलूदा में सब्जा चाहिए था, वो कहीं ना कहीं थोड़ा मिसिंग लग रहा है। कुल्फी ट्राई करेंगे इसमें के। बचपन की याद आई है कुल्फी खाने के टाइम, वो था ना समर्स में वो अंकल आते गाड़ी लेके कुल्फी वाले, वैसी कुल्फी है पूरी मलाई वाली, बहुत मजा आया ये फालूदा खाकर ना, बहुत मजा आया। यहाँ का डेजर्ट इतना डिलीशियस था कि एक खाके हमारा मन नहीं भरा, तो हमने और एक ऑर्डर कर दिया। सो दिस इज़ मुजफ्फर, एंड इट कम्स फॉर 375 रुपीज़। सो बेसिकली जो लखनवी रबड़ी होती है वो है विद सम ड्राई फ्रूट्स, एंड ऊपर से थोड़े सेवैया डाले हुए। ये बेसिकली सेवैया ज़्यादा नहीं डाला हुआ है, बस ऊपर से थोड़ा सा मैं बोल सकती हूँ गार्निश के लिए डाला हुआ है। सो लेट्स टेस्ट दिस। एक तो पहले तो प्रेजेंटेशन देखो यार, इतना सुंदर प्लेट है लीफ के शेप में, एंड उसमें ये सर्व किया, मतलब मुझे देख के इतना अच्छा लग रहा है ना कि आधा मन तो यहाँ पे ही भर गया है मेरा। लेट्स टेस्ट इट। वाओ, मुझे पहले क्या लगा, जो फालूदा में हमने रबड़ी खाया था ना, वो रबड़ी और ये रबड़ी शायद सेम होगा, बट नॉट एट ऑल। वो रबड़ी वॉज लाइक जो हम कुल्फी खाते हैं ना थोड़ा बहुत वैसा, ये रबड़ी बहुत अलग है। ये एक्चुअली लखनवी रबड़ी है, तो थोड़ा मिल्क बेस ज़्यादा है इसमें। इसमें ना ऐसे मलाई मलाई नहीं टेस्ट आ रहा है, मिल्की टेस्ट आ रहा है, बहुत सॉफ्ट टेक्सचर है, एंड ऊपर से जब हम सेवैया खाते हैं ना तो एक क्रंच आ रहा है, तो ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक दोनों रबड़ी बहुत अलग है, मतलब फर्स्ट टाइम मेरे को ऐसा लगा कि रबड़ीज में भी इतने वेरिएशंस होते हैं। वो वाला थोड़ा मलाईदार था, ये वाला थोड़ा मिल्की है लेकिन थिक है। इट्स नाइस, रियली नाइस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे प्लेसेस के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, एंड इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना।